दूसरे में खोए थे और ये खुमारी उस वक्त टूट गई जब रुचि के पिता अशोक सिकरवार ने दोनों को रात के वक्त घर के अंदर देख लिया। पुलिस की माने तो अशोक सिकरवार ने बेटी की हरकत देख अपना आपा खो दिया। अशोक ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी रुचि और शेर सिंह आपत्तिजनक हालत में थे और बस फिर टमटमाए अशोक ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से एक के बाद एक बेटी पर गोलियां दाग दी। वही प्रेमी शेर सिंह ने अपनी जान कमरे में खुद को बंद कर बचाई। अशोक सिकरवार ने अपनी लड़की को अपने ही घर में गांव के एक लड़के शेर सिंह के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उसने अपनी लड़की को वहीं पर अपने पिस्टल से लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी। लड़की की उसी घटनास्थल पर ही मौत हो गई और जो लड़का था शेर सिंह वो उसी गांव का है और दोनों में काफी सालों से दोस्ती थी। लड़का चूंकि उसी घर में मौजूद था कमरा बंद कर लिया तो वो उसने जो बयान दिया है कि इसमें मारने वालों में अशोक और उसके लड़के शामिल थे। प्रेमी शेर सिंह ने किसी तरह फोन कर अपने परिवार से संपर्क साधा। शेर सिंह के परिवार ने पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत रुचि के पिता अशोक सिकरवार को गिरफ्तार कर प्रेमी शेर सिंह को हिरासत में ले लिया। शेर सिंह से पूछताछ की गई, साथ ही रुचि के पिता अशोक सिकरवार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तो गया था मैं गैर रविवारी उनके घर पे, तो अंदर घुस गया कमरे में, तो ये आग लेके बाद गल तक के आ गया, उसको निकालो मारा पीटा उसको गोली मार दी, तो तुम मैंने अंदर से कुंडी लगा ली, मुझे खिला रही मैं कह रहा तो भी मारूंगा, मैंने कुंडी नहीं खोली। फिर मैं घर वालों को फोन किया था, चाचा पैसे मेरे आए थे, उन्होंने कुंडी नहीं खोली थी, तो यहाँ से जाइए तो फंसेगा लंबा, मेरे यहाँ का सामने गोली मारी थी। कितनी गोली मारी? दो या तीन मारी थी गोली। रुचि के पिता ने अपनी बेटी के कत्ल की बात स्वीकार ली है, साथ ही पुलिस से ये भी कहा कि अगर कोई भी बाप होता तो यही करता और उन्हें कोई पछतावा नहीं है। वारदात से इलाके के लोग हलकान हैं। वहीं आगरा के बजाजा पोस्टमार्टम हाउस से रुचि का शव मिलने का इंतजार परिवार के लोग कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल, अगर रुचि गलत भी थी तो फिर भी किसी को किसी की भी जान लेने का हक नहीं है और कानून की नजर में ये एक संगीन गुनाह है। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। स्वास्थ्य विभाग में तैनात वो आशा बहु 6 नवंबर 2013 की रात एक शख्स के साथ मरीज देखने के लिए घर से निकली, लेकिन 3 दिन बाद यानी 9 नवंबर को उसकी लाश एक खेत से बरामद हुई। शक इस बात पर जताया गया था कि बलात्कार के बाद हत्या की गई, मगर 2 दिन बाद ही कातिल भी दबोच लिया गया और सारी कहानी खुद उस शैतान ने साफ कर दी। 9 नवंबर 2013 को हमने खबर दिखाई थी कि कानपुर देहात के थाना सिकंदरा के गांव मानपुर की रहने वाली पेशे से आशा बहू तारा देवी की लाश एक खेत से बरामद की गई थी। आशा बहू तारा देवी स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी थी। 9 नवंबर की सुबह गांव मानपुर के अंदर तारा देवी की लाश मिलने से बदहवासी फैल गई थी। हर शख्स मौके वारदात पर मौजूद था, स्थानीय पुलिस ने भी दस्तक दी थी। तारा देवी का परिवार इस बात की भी आशंका जता रहा था कि उसके साथ पहले बलात्कार किया गया और कानून से बचने के लिए कत्ल कर दिया गया, मगर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। पुलिसिया पूछताछ के दौरान ये भी पता चला था कि तारा देवी 6 नवंबर 2013 की रात एक शख्स के साथ मरीज देखने के लिए घर से निकली थी और तब से उसका कोई अता पता नहीं था, मगर 9 नवंबर की सुबह तारा देवी की लाश भी मिल गई। बालेड़ी के खेत में सुबह ही एक डेड बॉडी मिली,
बाद में पता चला कि वो ग्राम मानपुर के तारा देवी नाम के आशा बहू थी। अब पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही थी जो 6 नवंबर की रात मरीज का वास्ता देकर आशा बहू तारा देवी को अपने साथ ले गया था और जल्द ही पुलिस ने कामयाबी हासिल भी कर ली। 2 दिन बाद यानी 11 नवंबर के दिन थाना सिकंदरा पुलिस के हत्थे कमल नाम का ये शख्स चढ़ गया जो तारा देवी को 6 नवंबर की रात अपने साथ ले गया था। कमल को हिरासत में लिया गया और जल्द ही उसने हर राज उगल कर रख दिया। आप खुद सुनिए कमल की जुबानी उसकी काली करतूत। दिमाग में आया कुछ उनको लगा के लाया, बस उनसे गलत निगाहें मना करने पे मार दिया। किस चीज से मारा? पत्थर से। पहले गला दबाया। क्या दारू पिए थे उस दिन? जी। कहाँ से लेके गए थे दारू? सिकंदरा से। कितने को आते लिए? एक था, एक और था हमारे साथ में इंद्रपाल, दोनों लोगों ने आधा आधा पिया। दोनों लोगों? जी। तो घटना के दौरान पे दोनों लोग थे कि? नहीं, मैं अकेला था। अकेले थे? जी। जिस दिन आप उनको घर से ले गए थे क्या उसी दिन मार दिया था? जी, उसी दिन मार दिया। उसके साथ छेड़खानी की थी, मना करने पे उसको गला दबाया, उसके बाद में ईटा मार दी। सुना, कमल अपने गुनाहों की तस्दीक खुद अपनी जुबानी कर रहा है। शराब ने कैसे इसके सोचने समझने की ताकत खत्म कर दी थी। शराब के नशे में धुत कमल तारा को बहाने से अपने साथ ले गया और फिर अपनी नापाक हसरत अंजाम देने के लिए एक सुनसान जगह पर जबरदस्ती करनी चाहिए। तारा ने विरोध किया, गांव वालों को सब कुछ बताने की बात कही। शैतान कमल पर सजा का डर हावी हो गया और फिर शराब के नशे में ही तारा देवी का गला घोटा और ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तारा देवी के कत्ल में इस्तेमाल वो ईंट भी बरामद कर ली है। आशा बहू को वो कमल सिंह नाम का एक आदमी था, वो बहला फुसला कर ले आया कि मेरे घर में कोई बीमार है, आप जाकर उसको देख लें। उसके बहाने जैसे ले गए तो रास्ते में उसके नियत में फर्क आ गया और ले जाने के बाद बाजरे खेत में उससे प्रयास जैसे उसने कुछ किया छेड़खानी का, उसने शोर मचा दिया, बताया कि मैं गांव में शोर मचाऊंगी, बताऊंगी तुम्हारे बारे में। तो ईंट लेके उसने उसके ईंट से उसके सीने पर पेट में इस तरह से मारा कि उसकी मृत्यु हो गई और उसमें कमल सिंह को गिरफ्तार हो गया। कब गिरफ्तार हो गया? 17:10 पे, और बाकी कार्रवाई की जा रही है। तारा देवी का क्या कसूर था? बस यही कि वो अपना कर्तव्य बड़ी शिद्दत से अंजाम दे रही थी। रात दिन सुबह शाम बस मरीज उसकी पूजा थी और आखिर में क्या हासिल हुआ? इन बच्चों के सर से हमेशा हमेशा के लिए माँ का साया उठ गया। परिवार परेशान है, बस एक वहशी की नापाक चाहत की वजह से खुद से बदसलूकी का विरोध किया। वाकई कमल ने इंसानियत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या होगा इस समाज का। सलीम सिद्दकी, कानपुर देहात, समाचार प्लस। वो महिला शादीशुदा थी, 4 बच्चों की परवरिश की उस पर जिम्मेदारी थी, लेकिन एक दिन उन बच्चों के सिर से माँ की ममता छीन ली गई। लेकिन उससे भी बड़ी बदकिस्मती देखिए, जिस शख्स पर महिला के पति ने भरोसा किया उसी शख्स के घर से महिला की लाश बरामद हुई। बड़े बदकिस्मत है ये मासूम बच्चे जो अपनी तड़पती आंखों से अपनी माँ की लाश निहार रहे हैं। कलेजा मारे दर्द के कुल बुला रहा है, दर्द के आंसू सैलाब बनकर हर जहन को झकझोर रहे हैं। हकीकत से सामना कर पाना इन मासूम बच्चों के बस की बात नहीं। अभी इन मासूमों की उम्र ही क्या है, इलाका तंग है। उस मंजर की तस्वीर देखकर खाकीधारियों के पसीने छूट रहे हैं। फर्श पर पसरा खून, लहू से सने कपड़े, जिधर देखो खून ही खून। तस्वीरें उस मंजर की गवाही दे रही हैं कि कितनी निर्ममता से सरिता की हत्या की गई।
सरिता की मौत ने पति सूरज के भरोसे का कत्ल कर दिया, क्योंकि पति सूरज ने जिस रविंद्र पर भरोसा किया उसी शख्स के कमरे में ये खूनी कहानी उकेरी गई। पति सूरज का इल्जाम है कि रविंद्र ने ही पत्नी सरिता की हत्या की है। सुबह भाई साहब बताने लगे कि पुलिस वाले आए हैं और तुम्हारे यहाँ फोन पड़ा है, तो चल के देखो लाश कहीं तुम्हारी तुम्हारे घर वाले की तो नहीं है। उसका नाम रविंदर था। कहाँ का रहने वाला है? ये बिहार का है। और कौन कौन था इसमें? बस वही मियाँ बीवी रहते थे किराए पे। इस स्कूल में नौकरी लगवाया था इसलिए आना जाना उसका रहा है। इसके बच्चे हमारे यहाँ घूमने चले जाए, हमारे बच्चे यहाँ आवा जाए। सूरज गाजियाबाद के गाँव महरौली का बाशिंदा है। पति सूरज और पत्नी सरिता काम के सिलसिले में कवि नगर इलाके में एक किराए के मकान में रहते थे। सरिता पर बच्चों की जिम्मेदारी थी, लिहाजा सरिता ने इलाके के रविंद्र की मदद से एक स्कूल में नौकरी पकड़ ली। रविंद्र और सरिता के बीच बढ़ी नजदीकियों का ही नतीजा था कि दोनों के परिवार में मेल जोल बढ़ता गया। बिहार का रहने वाला रविंद्र शादीशुदा था और सरिता के साथ ही काम पर जाता था, लेकिन जब से सरिता की लाश बरामद हुई है तब से रविंद्र का कुछ भी अता पता नहीं है। रविंद्र और उसकी बीवी दोनों फरार हैं। एक सूरज है, ये उसकी पत्नी सरिता है, जिसकी डेड बॉडी हमें यहाँ मिली है, ये पवन कुमार के मकान में मिली है। यहाँ ये एक रविंद्र नाम का व्यक्ति बिहार का रहने वाला था, जो किराए पर रहता था। इस घटना के बाद ये डेड बॉडी गटर के जो मैनुअल है उसमें पड़ी हुई मिली थी। किसी दादा हत्या से इसकी डेथ की, ये मर्डर किया गया है। और उसके बाद जो रहने वाले रविंद्र थे उसकी वाइफ दोनों यहाँ से लापता फरार। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रविंद्र और उसकी वाइफ रहने वाले बिहार के थे। पति सूरज पत्नी सरिता की मौत से आहत हुआ है, बच्चों का रो रो कर हाल बेहाल है। किसी को नहीं समझ आ रहा कि किस लिए सरिता की जिंदगी खत्म की गई। अगर रविंद्र ने ही सरिता को मौत के घाट उतारा तो क्या रविंद्र और सरिता के बीच किसी बात को लेकर अनबन थी, जिसके परिणाम में सरिता की सांस छीन ली गई? सवाल ये भी उठता है कि सरिता किसी साजिश का शिकार तो नहीं बनी? मसलन क्या सरिता और रविंद्र के दरमियान कोई और भी संबंध था? कहीं ऐसा तो नहीं कि रविंद्र ने पहले सरिता से मनमानी की और फिर जुर्म पर पर्दा डालने के लिए एक और गुनाह अंजाम दे डाला? इन तमाम सवालों से घिरी पुलिस की शक की सुई रविंद्र पर टिकी हुई है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही केस को वर्क आउट कर आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बदयू जबा गाजियाबाद समाचार प्लस। बरायल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दिखाएंगे मौत की एक अजीब पहेली। गलती से ज्यादा गेहूं तल दिया है। नहीं भूली, गलती से नहीं, ये तो तेरा अधिकार है। जी हाँ, अपने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गई है। अब गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो मिल रहा है। ये देखो, अब परिवार के हर सदस्य को 5 किलो और अंत्योदय परिवारों को 35 किलो अनाज हर महीने मिल रहा है। अरे जुग जुग की हो बेटा। अरे दादी माँ, इस आशीर्वाद की असली हकदार तो अपनी उत्तराखंड सरकार है। हर पेट को अन्न मिले, हर चेहरे को मुस्कान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का
ऐसा मिला वरदान। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सब